बोर्ड एग्जाम को लेकर के एक बड़ी खबर आ रही है। नो एग्जाम यानी कि इंटरनल असेसमेंट जो है उनके आधार पर प्रमोट होंगे 10वीं के बोर्ड के छात्र। इस राज्य ने लिया है फैसला, तो वो कौन सा राज्य और क्या फैसला लिया हुआ है और उस पर ऑफिशियल अपडेट क्या है वो हम आपको बताने वाले हैं। तो बोर्ड एग्जाम 2021 को लेकर के हिमाचल प्रदेश राज्य ने सरकार में बढ़ते COVID-19 मामलों को देखते हुए 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। HBBOSC यानी कि 10th बोर्ड एग्जाम 2021 महामारी के चलते रद्द कर दिया गया है और छात्रों को अब इंटरनल जो उनके असेसमेंट है यानी कि जो आंतरिक अंक है उसी के आधार पर अगली क्लास में प्रमोट किया जाएगा। रद्द कर दिया गया है, इंटरनल असाइनमेंट के आधार पर ये सारी चीज़ें करनी है। अधिकारियों की एक बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि जिसके अनुसार 12वीं की परीक्षाएं फिलहाल अगले आदेश तक स्थगित कर दी गई हैं और 10वीं के एग्जाम रद्द कर दिए गए हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र बोर्ड की भी बात कर लीजिए, मध्य प्रदेश बोर्ड की भी बात कर लीजिए, इसी आधार पर प्रमोट किया जा रहा है कि 10वीं वालों को रद्द कर दिया गया है, 12 वालों को थोड़ा सा स्थगित कर दिया गया है, उसको अभी तक रद्द करने की बात नहीं की जा रही है। प्रदेश सरकार ने ट्विटर के माध्यम से भी इसकी जानकारी साझा किया है। प्रदेश सरकार में सूचना विभाग के अनुसार 10वीं कक्षा की परीक्षा के लिए CBSE बोर्ड द्वारा अपनाए गए मापदंडों के अनुसार हिमाचल प्रदेश बोर्ड भी 10वीं के छात्रों को सभी छात्रों को 11वीं की कक्षा में प्रमोट कर रही है और विभाग ने यह भी बताया है कि हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की कक्षा 12वीं की जो परीक्षाएँ हैं और यूनिवर्सिटी के फाइनल एग्जाम भी अगले आदेश तक स्थगित रहेंगे। आपके सामने यह ऑफिशियल ट्वीट दिख रहा है IPR हिमाचल प्रदेश का। इसमें क्या कहा गया है कि ऑल स्टूडेंट्स वुड बी प्रमोटेड टू द क्लास 11th बाय द बोर्ड एज पर द नॉर्म सजेशंस बाय CBSE फॉर इट्स सजेशंस सॉरी स्टूडेंट्स फॉर द क्लास 10th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन। यानी क्लास 10th एग्जामिनेशन के लिए ये सारी बातें की जा रही है, उसी के आधार पर ये सारी बातें बताई गई। पिछले महीने सरकार ने कक्षा 10 और 12 दोनों की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया था, यानी कि पिछले महीने हिमाचल प्रदेश में स्थगित किया गया था दोनों परीक्षाओं को। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर की परीक्षाएँ भी स्थगित कर दी गई थी। जो परीक्षाएँ अभी स्थगित हैं उन पर महामारी की स्थिति पर पुनः जो है विचार किया जाएगा और फैसले लिए जाएंगे। कोई भी अन्य जानकारी छात्रों को बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी कि क्या जानकारी है। तो यहाँ पर 10th के एग्जामिनेशन को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया, यानी कि उनके एग्जामिनेशन नहीं होने हैं। जिस तरह से CBSE बोर्ड हो गया, महाराष्ट्र बोर्ड हो गया, उसी के आधार पर हिमाचल प्रदेश बोर्ड ने भी इस तरह से फैसला लिया हुआ है और 12 वालों का अभी तक स्थगित है। अगले आदेश तक बताया जाएगा कि मतलब उनका स्थगित ही रहेगा या उनको भी रद्द करने की बात की जा सकती है। तो ये सारा डिपेंड करेगा COVID-19 सिचुएशंस पर, तो उसके आधार पर पुनर्विचार किया जाएगा और जो भी फैसले आएंगे आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पर आए प्लीज विजिट द चैनल, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू, बाय बाय।